हाय एवरीवन, कैसा है आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइज फैंटास्टिक एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज फिर से घर में एक और शादी है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। आई डोंट नो, पता नहीं ये वीडियो ऐसे फॉर्मेशन पर कैसे शूट हो गई। मैंने हो सकता है, पता नहीं मुझसे ही हुआ होगा जो हुआ होगा। तो हम लोग वेन्यू की तरफ जा रहे हैं और आज हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं उस लॉन का नाम है मिलन पैलेस। यहाँ पर काफ़ी अच्छा है वो, पहले के टाइम पर ये ऐसा नहीं था लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट हो गया बहुत अच्छे से। हम लोग एकदम करेक्ट टाइम पर पहुँचे थे, बारात एकदम दरवाजे पर लग गई थी यार। इतना ज़्यादा भाग दौड़ की वजह से ना एकदम एनर्जी शरीर में रह नहीं गई है अब मेरे कि मैं बहुत ज़्यादा फंक्शन अटेंड कर पाऊँ, लेकिन घर की शादी है इस वजह से जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहुँचे ये बारात में और यहाँ पे सब जो है अच्छे से खूब सारा मस्ती डांस वांस करते हुए काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये अंदर का पूरा वेन्यू है, कुछ इस तरीके का नज़ारा है। काफ़ी सुंदर सा डेकोरेशन उन लोगों ने करवा रखा था यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह यहाँ क्लिक करवाई हैं, अगर टाइम मिलेगा तो या फिर होगा तो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगी अप टू डेट। फिर है ये पूरा लॉन। और पता है यार, यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से लगातार इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि उसके वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो गई। मैंने लहंगा निकाला था पहनने के लिए, लेकिन कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि मैंने जैसे ही पिन लगाई और लहंगे का जो कपड़ा था वो है पिन के साथ, वो फट गया, तो मुझे चेंज करके साड़ी पहननी पड़ी। तो ये है पूरा अंदर खाने का स्टॉल, बहुत बड़ा है ये लॉन, लेकिन बारिश की वजह से इसको थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर दिया गया, तो थोड़ा क्राउड आपको पास से बहुत दिख रहा होगा। और ये है पूरा खाने का एरिया जहाँ पे सब कुछ है। और ये कुछ एंट्री कुछ यूनिक तरीके से यहाँ पर दुल्हन की हो रही है। हम लोग लड़के वाले के साइड से थे, शादी किसकी थी, मौसी के लड़के हैं उनकी शादी, वो भी साइंस से एज में जो है वो बड़े हैं। तो यहाँ पे वो एंट्री हो रही है और वाकई में बहुत ग्रैंड एंट्री हुई थी इन लोगों की। बहुत अच्छा सा फंक्शन था सारा, जो जब जयमाल के लोग जाते हैं तो जो इस तरीके से आतिशबाजियाँ वगैरह होती हैं और साइड में वो पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, मुझे आई डोंट नो, वो सारे जो बम वगैरह होते हैं ना वो निकलते हैं यहाँ से, मतलब वो लाइटिंग वगैरह उसमें काफ़ी अच्छी होती है। और फिर साइड में ये कुछ इस तरह का भी बना हुआ था, जब यहाँ पे जयमाल होगा तो फिर ये साइड से लगेगा और ये मतलब खुले आसमान के नीचे हो रहा था ऐसा, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इन लोगों की भी लव मैरिज है, तो दोनों वर्किंग हैं, भैया जो हैं वो यूट्यूबर हैं, इनकी इनका ब्लॉग चेन है यूट्यूब पे चैनल, और भाभी जो हैं वो इंजीनियर हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का व्यू था और पीछे से भी बहुत सारी आतिशबाजियाँ होगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाला नज़ारा था मतलब। और साथ में बैकग्राउंड में राम राम जय सीता राम वाला सॉन्ग भी बज रहा था, तो एकदम बहुत ही अच्छी वाली वाइब आ रही थी। इस तरह का फर्स्ट टाइम या मैंने देखा है लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने इसको कहाँ पे इस तरह से देखा हुआ है, लेकिन ये मैंने लाइव देखा है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। फिर सब कुछ जयमाल वाल में फ़ोटोशूट के बाद हम लोगों ने बहुत सारा डांस वांस किया था, फिर लास्ट में हम लोगों ने खाया पान। और ये रात के टाइम का व्यू है, जब शादी जो होती है रात के टाइम पर बैठती है ये उस टाइम का है, तो एक साइड लड़के वाले एक साइड लड़की वाले कुछ इस तरह से, और ये रहे मैं और साईं। बाकी सब लोग घर जा चुके थे क्योंकि अगले दिन किकी की ट्रेन है, उसे अपने ससुराल वापस जाना है, तो वो लोग घर चले गए थे, बट मैं और साईं यहीं पर रहे। और यहाँ पर ताक पाट वगैरह चल रहा है, जो हमारे घर के जिसको कहते हैं जेठ जी, वो ताक पाट देते हैं। ये जो आप मुकुट देख रहे हैं ये उसी टाइम का रहता है सब कुछ, हर रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रो भी रही थी क्योंकि कन्यादान एक ऐसा टाइम ही होता है कि हर लड़की कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितनी भी बोल्ड क्यों ना हो, इमोशंस जो है वो आ ही जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अंकल जी ने बहुत अच्छा गाना गाया था अपने दामाद और बेटी के लिए, आप सुन लीजिए। और यहाँ पे चल रहा है फेरे का टाइम है, पहले ऐसा होता है कि 4 फेरों में जो होता है वो कन्या आगे होती है, और पिछले 3 फेरों में जो होता है वो लड़का आगे होता है। और यहाँ पे सिंदूरदान हो रहा है, पंडित जी ने बहुत अच्छे से शादी करवाई थी, सारे वचन जो उन्होंने बखूबी निभाए थे बैक टू बैक। मैंने अपनी शादी में तो रस्म सारी जो कस्में होती हैं वो सुने थे सारे वचन वगैरह, लेकिन बैक टू बैक 3 शादियों में मुझे और सुनने को मिला, किक्की की शादी में, बंटीदा की शादी में और क्षितिज भैया की शादी में, इन तीनों की शादी में। और यहाँ पर सिंदूरदान चल रहा है, कहते हैं कि सिंदूरदान करते वक्त ऐसा होना चाहिए कि कोई भी वहाँ पे देखे ना उस चीज़ को, इसलिए इसको पूरी तरीके से कवर करके किया जाता है, तो यहाँ पे वही चीज़ चल रही है। और ये हर लड़की के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि इस ये चीज़ उसको देखने को नसीब होती है, मिलती है। शादी एक छोटी मोटी बात नहीं होती है यार, ये सिर्फ बहुत दिन की प्लानिंग करके एक दिन शादी होती है
और फिर वो लाइफ टाइम का वादा होता है। और यहाँ पे सब बैठ के बस आशीर्वाद देने की ही तैयारी करें। ये जो लावा है यहाँ पे पंडित जी जो हैं वो भगवान का जयकारा लगाएंगे और सब जो हैं वो वर और वधु को यहाँ पे आशीर्वाद देंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़ बहुत सारे ब्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं तो चैनल पे बने रहिएगा। और बहुत सारे अभी ब्लॉग्स जो है वो लाइन बाय लाइन है प्रोसेस में, तो स्टे ट्यून। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में अच्छे अच्छे लाइक्स और कमेंट्स आप मुझे बार बार कीजिए। और ये है अंदर कोबर की रस्म, यहाँ पे इनके यहाँ पहले होती है, हम लोगों के यहाँ जब लड़की अपने ससुराल जाती है तब होता है। और ये बत्ती मिलाने की भी रस्म होती है, ऐसा कहा जाता है कि दोनों अगर अच्छे से ये मिल जाती है तो दोनों लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ रहेंगे। दैट्स इट।